Shukrana, Shukrana, Shukrana. Once again, Namaste to Guru Sahib and Jai Guruji to his loving, esteemed Sangat. I am moved and in tears, with your words, Auntie. Thank you so much. Thank you. So, जब भी गुरु महाराज का जिक्र आता है तो सबसे पहला शब्द जो हमारे दिमाग में आता है वो है शुक्राने का. Right? So, Shukrana, multilingual group. There is a beautiful line in the invite, Jo Auntie, you touched upon it. I don't mean to oversimplify it, but applying a practical lens to that statement or sentence or line, ki paath kabhi bhi aur kisi bhi kamre se kar sakte ho. Okay, speaks volumes about the practical spirituality that our Guru Sahib demonstrated. So, सबसे पहले तो ये कि गुरुजी अक्सर कहा करते थे संगत करो. तब वर्ड सत्संग नहीं यूज होता था, संगत. और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि कैसे और क्यों और कब, बट संगत करने वाले का भी कल्याण, संगत सुनने वाले का भी कल्याण. लॉजिक हमें नहीं लगाना, बिकॉज गुरुजी कहते थे नो इफ नो बट नो किंतु नो परंतु. गुरु की उस्तत करना पाठ करने से भी ऊंचा है. और हम हर बाणी हर कीर्तन में अमृत वेले का जिक्र सुनते हैं. इनफैक्ट गुरु साहिब ने खुद कहा कि यू नो 3 o'clock व्हेन यू वेक अप दैट्स द डायमंड आवर. हाउएवर अगेन अप्लाइंग दैट लेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी, गुरुजी मेड आवर जर्नी सो इजी that he said ki wo vela jab tum mujhe yaad karo, jis kamre se yaad karo, jahan se yaad karo, jis roop mein yaad karo, wo hi vela amrit vela. So how he simplified everything, jo hum kehte hain ki guruji ke path mein koi rituals nahi, koi karm kand nahi. This is just one example that guruji never said tum baith ke man ke fero. Guruji always used to say talk to me, मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो. सो जब हम अपने गुरु की उस्तत कर रहे हैं, अपने गुरु का गुणगान कर रहे हैं, संगत जी वो किसी भी पाठ से ज्यादा ऊंचा है. और एक पूर्ण गुरु ही है जो हमें भव सागर के पार लगा सकता है. सो अपनी जर्नी की शुरुआत मैं आपके साथ शेयर करूंगी. शुरुआत से लेकर अब तक का सफर संक्षिप्त में, जैसे गुरुजी कहते थे शॉर्ट में सुनाओ. सो गुरुजी आपको हाजिर नाजिर मानते हुए मैं आपका शुक्राने से शुरू करते हुए आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे मुखमंडल पे विराजमान हो जाएं और मुझसे कोई भूल चूक हो जाए आपका गुणगान करने में तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ. हमारे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं है, कोई लफ्ज नहीं है जिससे हम अपने गुरु की महिमा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कोशिश. ऑल ऑफ अस नो के गुरु के दरबार में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता. हालांकि हम ये वर्ड बहुत लूजली यूज कर लेते हैं, ओ कोइंसिडेंटली आई वेंट देयर, ओ आई कोइंसिडेंटली आई मेट सो एंड सो और आई हर्ड अबाउट दिस. नो, द फर्स्ट करेक्शन इज दैट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग in us, within us, around us, is being orchestrated by none other than Guru Sahib. और जब ये बात समझ आ जाती है, जितनी समझ आ जाती है उतना ही विश्वास पड़ने लगता है और सब कुछ correlated है. जब विश्वास बढ़ने लगता है तो विश्वास के साथ साथ हम accept करने लगते हैं चीजें. जब एक्सेप्ट करते हैं ना तो फिर वी कंटेस्ट इट लेस. हम इफ बट मेरे साथ क्यों ऐसे हुआ, कैसे हो गया, वो हमारे अंदर थोड़ा सा कम हो जाता है. मैं ये नहीं कहती कि खत्म हो जाता है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर वर्किंग एज डिजाइन. सो एज द फेथ विद इन अस स्टार्ट्स टू ग्रो, सो डज द एक्सेप्टेंस. जब एक्सेप्टेंस बढ़ने लगती है तो हमारे अंदर समर्पण आ जाता है. समर्पण का तात्पर्य सरेंडर. जब सरेंडर आ जाता है, और जितना सरेंडर आ जाता है
उतनी ही ज्यादा कृपा, उतनी ही ज्यादा ब्लेसिंग्स हम गुरु साहिब से और इस कायनात से अट्रैक्ट करने लगते हैं. सो देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन ऑल दीज वर्ड्स एंड एनीथिंग दैट गुरुजी इवन सेड लूजली. जो हम कहते थे कि यू नो गुरुजी वी ऑल नो हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर, वो मजाक में भी अगर कोई बात कर जाते थे ना तो उसका बहुत ही डीप मीनिंग होता था. वो बात अलग है कि तुम्हें समझ आए या ना आए या कितना समझ आए, हम उसको जो समझ भी आया हम उसको कितना अप्लाई कर पाए, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक. बट एनीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ गुरु साहिब्स माउथ, जिसे कहते हैं ना पत्थर की लकीर होना और बहुत गहराई उन बातों में होनी. सो लाइक आई सेड कि कोइंसिडेंस नहीं होता. कौन गुरुजी के दरबार में आता है, कब आता है, किसके जरिए आता है, वो सब गुरुजी ने मुकर्रर करना है. और जब वक्त और घड़ी बराबर होता है तभी आपका बुलावा आएगा. आप लाख बार सोचते रहो कि अरे मैं तो पड़ोस में रहती थी, अरे मैंने तो उसके बारे में 25 साल पहले सुना था, मैं नहीं जा पाई. क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि आपका बुलावा नहीं था. There is no other explanation to it. So similarly, meri soul ka bulava aaya in late 90s. Maybe it was 98 or maybe February 99. Aur main gayi thi apni family ke saath. Meri family ko le jaane wale the General Mohan Singh and Mohan Singh aunty, jinko Guruji bahut pyar se Mami ji bola karte the. So again, zikr Guruji ke baare mein suna tha 93 mein. लेकिन बुलावा नहीं आया टिल लेटर पार्ट ऑफ 90s. और जब पहले दिन मेरे मामा और डैड गए थे, उस दिन मी एंड माय सिस्टर डिड नॉट अकंपनी देम टू गुरुजी. एंड आई शुड से दैट वी डिड नॉट अकंपनी, आई विल से डे वन पे हमारा बुलावा नहीं था, लेट्स पुट इट दिस वे. सो जब पापा पहली बार मिले तो गुरु साहिब ने पापा से पूछा कि जनरल साहब तुहानू मेरे बारे से पता सी? एंड ही सेड हां जी गुरुजी. कब से पता था? He spoke in Punjabi. कब तू पता से? And my Punjabi is terrible, so forgive me. He said, Guruji, 93 में सुना था. किस से सुना था? वो General Kahlo और पापा ने अपने different, you know, दो चार batchmates के नाम बताए. And he looked at my dad. He said, फिर भी नहीं आए? गलती से भी अगर उस time आ जाते, तो बहुत फायदा उठा लेते. And my dad, you know, was very witty. He quickly came back with a retort ki koi baat nahi guruji, ab aa gaye hai na, ab pura fayda utha lenge. And they both laughed, and true to every word, life has been completely transformational in every aspect. And Sangat ji, mind you, I'm not saying that life has been a bed of roses. I am saying life has been transformational and for the better. Despite all the challenges, the ups and downs, the hardships, there is a very deep sense of security that there is somebody who has got your back. And there is nothing more powerful than the power of realization. Realizing that you are in the best place possible. You are under the fold of Mahashiv. And that feeling is very comforting. So that night he told my parents, Guruji said, apni betiyon ko bhi agle din lekar aana. So directly unke kehne pe agle din we accompanied our parents, not knowing where I'm going, why I'm going. The only context I had was my parents telling me hum Guruji ke paas pichli raat gaye the. It was very peaceful. Hame bada maza aaya. Meri mom ka kuch sugar related experience tha jo maine bahut baar share kiya hai. She's a diabetic. Pehle din jab tum jaate ho, you go with a rookie mind. Koi do's and don'ts wagaira publish nahi hote the. Wahan koi discourses, koi prachar, koi guidebooks, koi manuals, instruction manuals, kuch nahi circulate hoti thi. Tum jo bhi seekhte the, वो यू नो वहां बैठकर देखकर सुनकर उसी टाइम तुम इम्बाइब करते थे, क्योंकि
पर से तुम्हें गाइड करने वाला कोई भी नहीं था. सो इवन व्हेन माय मॉम वेंट, शी डिडंट नो के यू नो ये प्रसाद मिल रहा है, दिस इज एक्चुअली मेडिसिन फॉर योर बॉडी, तो इसको पूरा खत्म करना है. तो वी ऑल आर स्केप्टिक्स, उनका भी माइंड वाज स्केप्टिकल कि मैं तो शुगर की मरीज हूं, मुझे इतना मीठा खाने को मिल रहा है तो मैं तो बीमार पड़ जाऊंगी. भाई लॉजिक है, राइट? देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन. आप जितना मीठा खाओगे, इफ यू आर अ डायबिटिक, इट्स गोइंग टू एडवर्सली इंपैक्ट योर नंबर्स. सो यू नो हर थिंकिंग वाज नॉट मच डिफरेंट. और गुरुजी ने 2-3 दफा प्रसाद दिया था उनको डे वन पे. और इतना भी बता दूं संगत जी कि गुरुजी एक हाथ से जितना प्रसाद देते थे वो हमारे दोनों हाथों में नहीं समेटता था. सो जब पहला राउंड मिला वो खाया, फिर दूसरा, तीसरे टाइम तो यू नो मन में ये आ ही गया था कि मेरे को तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा. सो उन्होंने सोचा कि चलो ये नैपकिन में डालकर ना मैं पर्स में डाल लेती हूँ. That's the first time an auntie sitting next to my mom, she said, नहीं नहीं गुरुजी ने दिया, ये आपकी दवाई है, इसको खाओ. तब पहली बार समझ आई कि अरे यहाँ पर तो लंगर की महिमा ही अलग है. लंगर इज नॉट जस्ट फूड दैट वी आर कंज्यूमिंग टू फिल आवर स्टमक, दिस इज एक्चुअली मेडिसिन फॉर आवर बॉडी. एंड देन द माइंड स्टार्ट्स टू रेस कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम मीठा खा रहे हो और ये मीठा जो आप बर्फी अमृती जलेबी खा रहे हो ये आपकी शुगर का क्योर बनेगा. एनीवे वो हुआ, खाया, घर जाकर फटाफट यू नो अपने डाउट्स को नलिफाई करने के लिए शुगर टेस्ट करी गई. ये मैं आपको अपने पेरेंट्स का डे वन का एक्सपीरियंस बता रही हूँ. एंड दे केम बैक होम वेरी लेट दैट नाइट, आई थिंक 2 या 3 बजे वापस आए. एंड दे हैड ब्रॉट सम टॉफीज, कैंडी स्वीट्स, लूज कैंडीज कि गुरुजी ने तुम्हारे लिए भेजी है और हमें बहुत अच्छा लगा. और साथ में वो यू नो मम्मा अपने आपको प्रिक करके देख रही है कि मैं शुगर चेक कर लूँ. और शुगर आई जी 110 के करीब. बड़ा मन में आश्चर्य हुआ कि इतना मीठा खा के, मैं नॉर्मली यू नो इतनी डाइट पे रहती हूँ, मैं ये सब नहीं खाती, तब भी माई नंबर्स आर वे वर्स देन दिस. सो अगेन लाइक माई डैड यूज टू से, राइट, ह्यूमन माइंड इज वेरी वेरी डेवलिश. हम करते हम एफ फॉर बट से तो निकल ही नहीं पाते. मन में ख्याल आया कि जी शुगर की मशीन ही खराब हो गई, ये नहीं हो सकता. सो अब कोई भी डॉक्टर, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान मुझे ये समझा दे कि ये कैसे होगा, मतलब साइंस इसका कोई रैशनल या कोई रीजन, कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं दे सकती. तो एनी वे देवर यू नो दैट वॉज अ प्लेस दैट गिव देम अ फील गुड फैक्टर बिकॉज दे केम. While they had these doubts and they were trying to verify and validate those, they came back saying that it's a, you know, a positive place, bada achha ho raha hai Guruji ka, bada maza aaya. And the biggest underlying thing was the hukum ke Guruji ne tum dono ko bulaya hai, to chalna. Ab, jab main gai, to as I was mentioning, isi mindset se gai ke chalo bulaya hai, ek baar milate hai. और जो नॉर्मल सॉर्ट ऑफ प्री कंसीव्ड नोशंस होती हैं, आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट मे बी दे आर अलूडिंग टू अ प्लेस जहां पर कोई यू नो कोई संत महाराज कोई ब्लेसिंग देंगे, कोई भविष्यवाणी कर देंगे, अपना आशीर्वाद दे देंगे और हम वो आशीर्वाद देकर चले जाएंगे. लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वहां का सीन तो कंप्लीटली डिफरेंट था. और गुरु जी की दुनिया में सबकी इंडिविजुअल जर्नी होती है संगत जी, सबका अपना कनेक्शन है, सबका अपना जुड़ाव है, सबका अपना नजरिया है. बेशक आप एक परिवार की तरह जाएं या ना जाएं, लेकिन याद रखें कि आपकी सोल की इंडिपेंडेंट जर्नी है. और लाइक आई सेड, एक फैमिली में 4 लोग हों या 6 लोग हों, सबका लगाव, सबका कनेक्शन, सबका जुड़ाव एक दूसरे से अलग, इंडिपेंडेंट, यूनिक, निराला हो सकता है. सो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नजरिए से. जब मैं गई, संगत बहुत थोड़ी थी. गुरुजी ने कुछ पिंक कलर का चोला पहना था, लाल रंग की चेयर थी उनकी एम्पायर स्टेट में, बहुत थोड़ी संगत थी, कुछ होंगे 30-35 लोग एट द मोस्ट. और
बड़ी अच्छी बानी चल रही थी, शब्द कीर्तन समझ कमी आते थे। तो गुरु जी को देखा तो एक नूरानी चेहरा, जिन्होंने एक एम्बेलिश्ड रोब खूबसूरत पहना था, और आसपास कुछ लोग बैठे थे, आंटियां, एक आई थिंक कोई हाथ दबा रही थी, एक उनके पैरों को मल रही थी, एंड एक आई थिंक कोई शोल्डर पे था। सो ये देखकर मेरे को लगा ऐसे ये कैसी जगह है, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कोई संत महाराज होंगे, और वो प्रॉब्ली कोई जन्म पत्री वगैरह देखकर कोई भविष्यवाणी, कोई उपाय, कोई आशीर्वाद देंगे, जैसे ट्रेडिशनली होता है। सो गुरुजी ने वहां नाम वगैरह पूछा और बोला जाके बैठ जाओ। अब हम बैठ गए, एंड एज एन ऑनलुकर आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग। वन, आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट दैट हिज ऑरा वॉज बियॉन्ड एनी डिस्क्रिप्शन। जो रेडियंस थी, जो नूर था, वो ऐसे था संगत जी के मेरे को लग रहा था कि बस मैं एक तक इनको देखती जाऊं। लाइक आई कुड फिगर आउट व्हाट दिस पावर, व्हाट दिस फिनोमेना वाज, बट उनको बार बार देखने का मन कर रहा था। एंड हिज ऑरा वाज सो स्ट्रांग दैट व्हेनेवर ही वुड मेक आई कॉन्टेक्ट विद यू, आपकी नजरें ऑटोमेटिकली नीचे हो जाती थी। तो वाइल एक तक देखने का मन कर रहा था, हम छुप छुप के देख रहे थे, और जैसे ही गुरु जी हमारी तरफ देखते हम अपनी नजरें नीचे कर लेते। और कोई ऐसा सेट सिस्टम नहीं था कि कितनी बार प्रसाद बांटना है, या हर सत्संग के बाद एक हर संगत के बाद एक सत्संग शेयर होएगा, नथिंग। गुरु जी रैंडमली अपनी उंगली से इशारा करते थे, सेवादार को वो समझ आ जाती थी, सेवादार अंदर किचन से एक टोकरी ले आते थे, टोकरी में भिन्न भिन्न चीजें होती थी, कभी बर्फी, कभी अमृती, कभी जलेबी। एंड लाइक आई सेड, अपने एक हाथ से गुरुजी देते थे, सिस्टम ये था कि आप अपने दोनों हाथों में प्रसाद लो, प्रसाद लेकर बाहर जाओ, बाहर खाकर खत्म करकर पानी पीकर हाथ स्वच्छ करके फिर आके बैठ जाओ। और पहले शुरू में तीन या चार बार ऐसे प्रसाद मिलता था, और जितनी हमारी समझ, लाइक एज अ टीनेजर आई वाज लाइक आई वाज एंजॉयिंग द डिफरेंट मिठाइज, द डिफरेंट प्रसाद्स दैट वी वर गेटिंग, एंड मी एंड माय सिस्टर वी यूज्ड टू ट्राई टू प्लान कि अच्छा अब टोकरी में अमृती गई है, अब लाइन में लगेंगे, या अच्छा अब टोकरी में पिस्ते की बर्फी गई है, अब जाएंगे ताकि गुरु जी से वो मिले। एंड ये मैं आपके साथ बड़ी कैंडिड सी फीलिंग शेयर कर रही हूँ। वी डिड नॉट नो any better, right? As teenagers, के क्या और कितनी शक्ति है इस जगह में, कितनी गहराई है इस जगह में, हमें कोई एहसास ही नहीं था कि हम किस जगह पे बैठे हैं, बस बैठे हैं और अच्छा लग रहा है। और like I said, I used the word feel good factor. So, पहली बार अटेंड करने के बाद ये नहीं लगा कि अच्छा अब हमने ब्लेसिंग्स लेकर अब चले गए हैं, अब देखी जाएगी, जब आएंगे सो आएंगे। बार बार जाने का मन करता था, और यूं ही उसी दिन से, पहले दिन से रोज जाने का सिलसिला शुरू हो गया। जब कभी ऐसे भी लगता था कि अरे यार आज तो कॉलेज में बहुत होमवर्क है, या कल एग्जाम है तो नहीं जाएंगे, या मैं थक गई हूं, येट शाम के 6:30 या 7 बजे एक ऐसी खिंचाव, एक ऐसा पुल होता था कि वी वुड फाइंड ourselves सिटिंग देयर इन एम्पायर स्टे एवरी डे, डे आफ्टर डे। And, शब्द सुन रहे हो, समझ नहीं आ रही। कभी कभी कोई सत्संग शेयर कर देता था तो बड़ा आश्चर्य होता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, एंड सम थिंग्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट? लोगों की टर्मिनल डिजीजेस ठीक हो गई कैसे, लंगर खा के कैसे, पान का पत्ता और चम्मच के ऑपरेशन से, मतलब जिसका कोई सर पैर ही नहीं लगता था कि ऐसे हो कैसे सकता है। किसी की जी ट्विंस हो गए, हमारा तो यूट्रस ही नहीं है, एंड यू वुड बी स्क्रैचिंग योर हेड दैट द साइंस इज लिटरली बीन क्रिपल्ड, लॉजिक इज डाउन ऑन इट्स नीज, ये कैसी जगह है। ये सुनकर भी संगत जी, ये सत्संग सुनकर भी, हम इंसान ऐसे हैं कि हमारा विश्वास तभी बनता है जब हमें खुद का एक्सपीरियंस होता है, राइट? I can share all this with you. Oh, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मुझे फलाना दर्शन हुए, and
you know, as a listener, you might say, ki, okay, I hear all these great things, but ji, maine aisa kuch nahi experience kiya. So the beauty about our Guru Sahib is individual experiences. He will touch upon each one of us and give us an experience that will make sense to us at the level at which we are. Aap Guruji ki university ya paathshala ya jo bhi aap usko bolo ya sanstha samajh lo, usme hum sare paathiyon ki tarah, students ki tarah enrolled hai. Kaun kis level pe hai, wo rahasya sirf Guruji jante hai. कोई किंडरगार्टन में है, किसी का भी एडमिशन ही हुआ है, कोई प्रॉबेबली पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, ना हमें पता, ना हमें पता करने की जरूरत है. हमें बस ये जानना है कि हम जिस भी लेवल पे हैं, हमारे लेवल पे आकर लाइक एन एक्सलेंट टीचर गुरुजी विल कम डाउन टू आवर लेवल एंड एक्सप्लेन टू अस इन द लैंग्वेज दैट वी बेस्ट अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट. एंड द सेम थिंग हैपेंड टू मी. अब आप बताइए संगत जी, ऐसी कौन सी शक्ति है जो क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले, एग्जाम होने से पहले ये प्रिडिक्ट करके आपको बता सकते हैं कि कल के इकोनॉमिक्स पेपर में कौन से क्वेश्चंस आएंगे. और जब मेरे को फर्स्ट हैंड ये एक्सपीरियंस हुआ, मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर था अगले दिन, मैं गुरुजी के पास पहुंची, मैंने कहा चलो आशीर्वाद लेकर जाती हूँ. और मैंने छुट्टी लेते टाइम गुरुजी को बोला, गुरुजी कल मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है. और उन्होंने ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. तो पहले तो मेरे को लगा कि वो मेरी नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं कि इसको आता कितना है. एक क्वेश्चन पूछा, दूसरा पूछा, तीसरा पूछा, और मैं जवाब नहीं दे पा रही थी, बिकॉज बाय द टाइम ही आस्क्ड मी द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई स्टार्टेड टू थिंक ऑफ द आंसर, ही आस्क्ड मी द सेकंड एंड द थर्ड, एंड I was saying, you know, he keeps asking me questions, but he's not even interested in hearing my responses. So how's he going to know whether you're studied or not? And then an auntie next to me, jo unke us time, she was pressing his feet. She said, beta, note karo, ye aapko aapka question paper bata rahe hain. Aur mera to like just kehte hain na, the jaw drop moment. I was like, wow, aisa bhi hota hai? Because right until now, I was hearing about just health-related satsangs, ke kisi ki bimari theek ho gayi, flana ho gaya, dhimkana ho gaya. I said, is jagah mein literally question papers kabhi pata hota hai? And yet, we could not correlate, or I could not correlate, that aisi kaun si shakti hai, jo ye aapko bata sakti hai. Aaj, when I look back 20, 25 years, आज आई अप्रिशिएट द फैक्ट दैट ओ माय गॉड आई शुड हैव अंडरस्टूड व्हिच पावर कैन डू दैट. बट उस टाइम वो समझ नहीं आई. क्यों? बाय हिज डिजाइन. गुरुजी हमें सब कुछ दिखाते थे, सब कुछ हमारे सामने बोलते थे, येट हमारी आंखों पे, हमारी अकल पर एक पर्दा सा पड़ा हुआ था. क्यों? क्योंकि गुरुजी ये चाहते थे. अगर आप समझो, हमें 20-25 साल पहले पता चल जाता कि भाई हम तो महाशिव के रूबरू हैं, हम उनको छू रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, हम तो पागल ही हो जाते, हम तो अपने आप को कंटेन नहीं कर पाते, हम तो अपने आप को संभाल ही नहीं पाते. ये आहिस्ता 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 उन्होंने पर्दा हटाया अपना चोला त्यागने के बाद. एंड यू नो, नई संगत कहती है कि ओल्ड संगत बहुत लकी है. अवल तो वी डोंट नो हुज न्यू हुज ओल्ड, वी आर ऑल गुरुजी संगत. बट माय रिस्पांस टू दैट इज कि हम तो 10 साल जाते रहे बगैर किसी समझ के. आज जो लोग जुड़ रहे हैं वो ये जानकर जुड़ रहे हैं कि भाई हम तो महाशिव के साथ जुड़ रहे हैं. हम रोज जाते रहे, बात करते रहे, छूते रहे, और बिल्कुल कोई खबर ही नहीं. तो हमें तो और भी ज्यादा रिग्रेट होता है कि काश, अरे मैंने वो मोमेंट स्पेंड किया, मैंने तो कोई फोटो ही नहीं ली, मेरे पास तो कोई मेमोरी नहीं है, तो ज्यादा रिग्रेट होता है. एंड इन फैक्ट हैविंग सीन हिम, हैविंग टच्ड हिम, व्हेन वी लॉस्ट हिम, इट वाज अ वेरी 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 बिग सेटबैक, बिकॉज वी कुड नॉट अंडरस्टैंड और ग्रास्प दिस फैक्ट कि इतने लोगों को जीवन देने वाले गुरु वो कैसे जा सकते हैं. So anyway, I'm you know, jumping all over the place, jaise jaise meri thought process chal rahi hai. So back to my first experience,
which was that question paper related. And I'm going to share, you know, different types of experiences to glorify who our guru is and expose and share with you guys the different facets of his behavior. Dusri cheez, which was eye-opening, was that when I was diagnosed with polycystic ovarian disease, main ultrasound ke liye gayi and they found multiple cysts. The doctor said ke aap ye hormones shuru kar do. To hormones ka naam sunte hi I was like, nahi, hormones to nahi khane because it's going to mess up with my sort of natural hormonal balance. We don't even understand the side effects. So I was very reluctant to take that pill. Again, hamare paas ek hi Ramban tha. So hum ji gaye Guruji ke paas aur phir maine hichkichate hue Guruji ko bola, Guruji mere ko na polycystic ovarian disease hai. Just this. He didn't ask me the extent. He did not ask what does that mean. Nothing. Simple language mein he said, haldi wala dudh bhi theek ho jayegi. And like I said earlier in my satsang, Guruji ka hukum patthar ki lakeer. Ab ji hum is pe logic lagana shuru karte hain ki haldi to hum roz khane mein khate hain, haldi koi dawai ka substitute thodi ban sakti hai, ye thodi ho sakta hai, wo thodi ho sakta hai. But sure enough, Sangat ji, I would have had haldi wala dudh just for a few days. And I don't know where science went. I don't know where logic went. 2 weeks later, when I went for my ultrasound, without any medication, the doctor thought I was actually taking the medication, but I wasn't. The polycystic ovarian multiple cysts were gone. This, again, I'm highlighting the fact, kaun si shakti aisi hai, jo आपकी बात सुनकर के ओ मेरे को ये प्रॉब्लम है एक सिंपल सा उपाय बताकर वो प्रॉब्लम को जड़ से निकाल दे. एंड दीज आर माय यू नो पर्सनल एक्सपीरियंसेस माय पर्सनल इंटरेक्शंस. अनदर वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट दैट आई स्पेंट विद गुरु साहिब वाज एन अपॉर्चुनिटी वेयर ही मेड मी स्मेल हिज दस द्वार. और आपने पुरानी संगत के सत्संग में सुना होगा, स्पेशली पीपल फ्रॉम पंजाब, दैट गुरु जी कभी कभी कहते थे कि बाबे दे दो ते नानक दे ढाई द्वार खुले, मेरे दस ते दस खुले. विच मीन्स दैट ऑल दोज 10 चक्रास इन योर बॉडी, वेदर इट्स बिटवीन योर आईज, योर नेवल, योर आर्मपिट्स, यू नो, पूरे एनर्जी चक्र से फ्रेग्रेंस फ्लो करती है विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन. Again, I'm pointing to the fact that aisi kaun si shakti hai jahan se 24/7 from all those dwars, that beautiful, unique fragrance that cannot be replicated. And I don't even know ki usko kaise describe karo. Tum usko roses ki kao, kasturi ki kao, jasmine flowers ki, all mixed together. The word is unique and divine. Wo fragrance ooze karti rehti hai. और गुरुजी के आप पैर चूमो, पैरों का कि पैर तो दूर की बात, आप जूतों के नीचे की सोल को किस करो, उससे भी वो फ्रेग्रेंस. आप उनसे हाथ मिला लेते थे, अगर शेक कर लेते थे या छू भी लेते थे, तो एम्पायर स्टेट के गेट से आगे तक आपके साथ वो फ्रेग्रेंस जाती थी. ऐसा कोई परफ्यूम आज तक इस दुनिया में नहीं बना. एंड I had the opportunity of smelling that. On my birthday, he gave me his jutti prashad, jo unhone us time pehna hua tha. Unhone maroon color ki juttis pehni hui thi. Aur bhare sangat mein unhone wo juttis utar kar mujhe di. He said, ehle achak tera prashad. Aaj tak kabhi kabhi randomly, un juttis se wo fragrance aa jati hai. Which is almost 20 years later today. So again, how do you explain what this phenomena is? So, Guruji is Ang Sang. ठीक है? जब हम Guruji से बात करते हैं, हम उनके साथ directly connect करते हैं. And this is what our Guruji said. He talked about कि you know, जो हमारे अंदर soul होती है, वो soul का size, संगत जी आपको पता कितना है? जितना माचिस की तीली के ऊपर जो काला पोर्शन होता है ना, दैट इज द साइज ऑफ योर सोल.
एंड गुरुजी सेड दैट उतना सा शिव हर एक के अंदर बसता है. दैट्स व्हाई वी ऑफ्टन से हर हर महादेव. और जब वो सोल हमारे अंदर से निकल जाती है तो वो शिव निकल गया तो हम क्या बन गए? शव. एंड दैट्स द कनेक्शन वी हैव विद महाशिव. क्योंकि अगर हम सबके अंदर इतना सा शिव का अंश है तो हम तो सारे महाशिव के फिर बच्चे हुए ना. फर्क सिर्फ इतना है दैट देयर आर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब. जस्ट अ हैंडफुल ऑफ अस रियली नो दैट वी आर गुरुजी संगत. एंड दैट्स व्हाट मेक्स अस सुपर प्रिविलेज्ड. बड़ा गर्व होता है ये कहने में कि हम गुरुजी वाले हैं. और इतना प्यार, इतनी लाड, सिर्फ हमारा गुरु हमारे साथ लड़ा सकता है. कहते हैं ना, कबीर जी का दोहा है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाओ, किसके पाओ पहले छू. हमेशा अपने गुरु के, बिकॉज इट्स ओनली योर गुरु हु विल टेक यू टू द डिवाइन लाइट, टू योर गॉड. एंड इन आवर केस Guruji himself is Mahashiv, the divine light. And like I said, some of the precious words that he said, God is one. Respect all religions. Jis kisi ka bhala kar sakte ho, karo. Agar bhala nahi kar sakte, to bura mat karo. Aur is roz marra ki daud dhoop mein, where we are so busy, we don't know what, you know, what the left hand is doing, what the right hand is doing, everything is dysfunctional, we are chasing different materialistic desires. Guruji said, have an attitude of gratitude. 10 se 15 minute us higher being ka shukrana karne ke liye zarur nikaliye, regardless of what you're going through. And our guru was so humble that he never said ke aap meri aradhana karo, aap mere ko hi poojo. He said jis kisi ko mante ho, jis bhi religion se ho, jo bhi aapka belief hai, have an attitude of gratitude. Guruji laid a lot of emphasis on intent. Guruji said man changa te nalke ka pani bhi ganga. Jab hum satsang karte hain, क्यों हमें ब्लेसिंग मिलती है? बिकॉज सत्संग इज नॉट अबाउट यू एंड मी. इट इज नॉट आर सत्संग, इट इज अ गुरु सत्संग. वी आर टेकिंग द टाइम टू रिकाउंट आर ब्लेसिंग्स एंड ग्लोरिफाइंग हिम. दैट्स व्हाट मेक्स गुरु की उस्तत पाठ से भी ऊंची. आज आई एम गोइंग टू टेक अ पॉज हियर. We'll save the rest for the next round. कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ. Thank you so much for listening to my brief journey with Guruji. Jai Guruji, Sada Shukrana Maharaj. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Thank you so much, Aarti Aunty. मन कभी नहीं भर सकता. गुरु महाराज की बातें ही इतनी खूबसूरत हैं और आप इतने खूबसूरत तरीके से कहते हो कि मन करता है कि बस सुनते रहें और सुनते ही रहें. If you allow, may I ask you something? बिल्कुल आंटी, बिल्कुल. आंटी, I would just request you to please share some lighter moments, you know, some fun moments that you must have had with Guruji. Sure. Like on a lighter note, you know, like, you know how yes. It would be like, you know, we would just, I want to hear it and experience it through your words. Yes, absolutely. Thank you for reminding me as well, right? So, हर बड़ा occasion ना हम गुरुजी के साथ मनाया करते थे, चाहे वो दिवाली है, चाहे वो New Year's Eve है. And जैसे कहते हैं ना, जा ऐश कर, जिंदगी कैसे जीते हैं, उसका तरीका हमें गुरुजी ने सिखाया. So I still remember के I think 2000 की बात है. 2001 की बात हो, मैं 2000
31 दिसंबर को गुरुजी ने गाने चलवाए और थोड़ी संगत होती थी उस टाइम, और एक गाना लगवाया वो मेजर साहब फिल्म का, कुड़ी पटाखा दिल चुरा के लगी, सोना सोना, दैट सॉन्ग, एंड वो चलवाया. एंड देन ही डज इशारा टू गायत्री सबरवाल आंटी एंड मी, ही सेड चलो डांस करो. अब मैं तो पानी पानी, आई वाज लाइक ये कैसी बात है, यू नो, आई से सारी संगत बैठी है और हम इनके सामने डांस करेंगे, मुझे तो डांस करना नहीं आता. एंड यू नो व्हेन पीपल यू आर आस्क्ड टू डू समथिंग यू बिकम इवन मोर स्टिफ. तो मैं यू नो स्टिक की तरह खड़े होकर वहां डांस कर रही हूँ, फीलिंग वेरी ऑकवर्ड, और मन में बहुत ख्याल उठ रहे हैं कि अरे यू नो व्हाई इज ही मेकिंग मी डू दिस. उसके बाद द रेस्ट ऑफ द हॉल जॉइंड इन एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड डांसिंग, एंड समबडी वेरी रैंडमली सेड कि जब गुरु आपको डांस करने को कहता है अपने सामने ऑन स्पेशल ओकेजंस, ये बड़ी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है. अगेन कैसे मन में मेरा डाउट चल रहा था और कैसे somebody was there to clarify it instantly. Now, I wasn't asking or verbalizing or questioning it openly. मेरे मन में ये thought process चल रहा है और कोई बोलता है कि ओ ये तो बहुत blessing होती है क्योंकि जब गुरुजी आपको अपने सामने डांस करने को कहते हैं ना, वो आपको एक्चुअली आपकी बॉडी का स्कैन कर रहे हैं एंड यू डोंट नो कि ह्यूमन बॉडी कितनी एक, आप उसको यू नो एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स मशीन समझिए, और उसमें कौन सा पुर्जा कहाँ जंग खा गया है, ढीला है, क्या है, ये हमें नहीं पता. ही इज एक्चुअली डूइंग एक्सरे एंड गिविंग यू ब्लेसिंग्स. सो व्हेनेवर यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू डांस इन फ्रंट ऑफ योर गुरु इन ऑन अ स्पेशल ओकेजन, यू शुड डू इट. And I was like, you know, I got my answer. Then he had a sort of a full form for most of the abbreviations. Aur bahut funny tarika hota tha. To jab Guruji ke saath pehli baar sangat milne aati thi, to by and large ye system hota tha that Guruji would ask, tusi kaun ho, tada na ki hai, kide naal aayo, ki karte ho. This was, you know, by and large, exceptions were there. But that was sort of the icebreaker. तो अगर कोई बोलता कि ओ गुरुजी मैं IAS हूँ, ओ लो आ गया, आई एम सॉरी. कोई नोएडा की संगत आ रही होती थी, लो आ गई है, नो आइडिया. PhD बहुत ही पढ़ लग गया है ये, पागल होने का डर. गुरुजी मैं BDS डेंटिस्ट, ओ हो बत्ती दंता दा सत्यानाश. BDS जो खाना हो वो नमक नहीं होता है कि नहीं इसमें, नहीं बढ़ाया उसने. Somebody needs to mute themselves, please. Then sorry, can you hear me? हाँ जी आंटी, हाँ जी, हाँ जी. So BDS का बत्ती दंदा दा सत्यानाश. गुरुजी मैं वकील हूँ, लो जी LLB आ गया, लड़ो लड़ो भाइयों बहनों. यू नो तो इतनी इतना हंसाते थे, एंड हस्बैंड वाइफ के रिश्ते पे तो बहुत ही खास उनकी टिप्पणी होती थी, बिकॉज वाइफ को वो बोलते थे वरी इनवाइटेड फॉर एवर, और हस्बैंड का फुल फॉर्म जो उन्होंने दिया था वो था हॉर्स अंडर सिवियर बर्डन एंड नो डाइवर्जन. सो इतना गुरुजी हंसाते थे, और कभी कभी रैंडमली यू नो गुरुजी शादी का इनवाइट दे देते थे, या ऑन द फ्लाई बोलते थे अच्छा अब मैं जा रहा हूँ, यू नो ताज जा रहा हूँ, वहां इसका ब्याह है, तो उसी लोग सारे चलो. एंड यू वुड बी लुकिंग एट योर क्लोथ्स, दिस हैपेंड विद माय डैड, एंड डैड इज लाइक कि गुरुजी मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो मैं टी शर्ट और यू नो पैंट्स में आ गया, मैं तो ब्याह पे जाने के लिए रेडी नहीं हूँ. अरे सर क्यों, ब्याह तेरा है, ब्याह तूने कराना है. एंड यू नो हंसी आ जाती थी कि गुरुजी खुद तो इतने सुंदर बनकर जा रहे हैं और हम बिल्कुल भंगियों की तरह. बट अगेन यू नो हर जगह गुरुजी अपनी संगत को जैसे कहते हैं ना ट्रूली ऐश करानी, वो कराते थे. और दैट गुरु हु वुड ऑलवेज पुट हिज संगत अबव हिमसेल्फ. हम क्या सीखते हैं कि पहले जी भगवान को भोग लगाओ, पहले पंडित को खिलाओ, पहले ये करो, और ये हमारे गुरुजी पूरी संगत को लंगर कराने के बाद, जो संगत दरबार में बैठी है, अगर बाहर गेट के बाहर ड्राइवर्स खड़े हैं, उन सबको लंगर छकाने के बाद
गुरुजी अंदर जाकर अपना लंगर ग्रहण करते थे, क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे वो हमारे साथ? ह्यूमिलिटी। जो ये छोटी छोटी चीजें, लाइक आई सेड, एवरीथिंग हैड अ मीनिंग, एवरीथिंग दैट वाज डन इन गुरुजी'स टाइम, वी डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील बिकॉज़ ही लेड अ ब्यूटीफुल पाथ फॉर अस। जो वो कहते थे चार लोग एक थाली में बैठकर इकट्ठे लंगर करें, क्या बता रहे थे गुरुजी? दैट इट यू डोंट हैव टू नो व्हाट्स योर कास्ट, व्हाट्स योर क्रीड, व्हाट्स योर इकोनॉमिक स्ट्रेटा, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस, व्हाट्स योर बैकग्राउंड, इट इज इमटीरियल। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी आर ऑल हिज संगत, एंड दैट इज द ओनली प्लेस संगत जी वेयर आई सॉ अ ड्राइवर एंड द सो कॉल्ड मालिक ईट टूगेदर इन वन प्लेट। एंड किसी की मजाल है कि तुम चुप कर जाओ, किसी की मजाल है जो बोले कि ओ मेरे को तो इस प्लेट पे खाना नहीं खाना, मुझे अपनी फैमिली के साथ खाना है। जो जहां बैठा है, जिसकी जहां बारी आ गई, वही आपकी ब्लेसिंग है। और आज समझ आता है कि उसी टाइम से गुरुजी हमें एक्सेप्टेंस सिखा रहे थे कि क्वेश्चन नहीं करनी, वट एवर कम्स योर वे, जिसे कहते हैं ना, चाहे वो मीठा हो चाहे वो कड़वा हो, उसको एक्सेप्ट कर लो गुरु का प्रसाद समझकर। और जब हमारी इतनी प्रीति बढ़ जाती है ना गुरुजी के साथ, तो फिर लाइफ आसान हो जाती है। और आसान क्यों होती है? नॉट कि लाइफ के चैलेंजेस कम हो जाते हैं, हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। और जब एटीट्यूड चेंज हो जाता है, देन लाइक आई सेड कि तुम मुंह के भार भी गिरते हो और गिरोगे और चोटें खाओगे, लेकिन तुम उठकर कंप्लेन कम करोगे। आई वोंट से कंप्लेन नहीं करोगे, कंप्लेन कम करोगे और ये बोलोगे शुक्र है तेरा गुरुजी, पता नहीं कौन सा कष्ट आया था, इट कुड हैव ऑलवेज बीन वर्स, आपने छोटे में सस्ते में कटा दिया। सो दैट वाज द एसेंस। यू नो व्हाट हैपेंड विद माय फादर सिंस 2020, मई ऑफ 2020 अंटिल द टाइम वी लॉस्ट हिम, एवरी डे संगत जी, I felt his presence more than ever through the most trying time, the most challenging, the most emotionally draining time of my life. And I felt him in every ounce, in everything, in and around. Every stage he was making impossible possible. Can I take 5 more minutes to share another satsang? Because of, we are all ears, auntie. Please go on. So, no, because Guruji kehte the short mein sunao aur main bandi nahi ho rahi hu. So I'll keep it quick. Please go on. So hum science ki baat kar rahe the, right? So jab 3rd March of this year, doctors ne finally jawab de diya. Like we went to the topmost oncologist in Medanta. My dad was under his treatment. I still remember, second रात को मैं पहुंची थी, 3rd मार्च को मेरी डॉक्टर के साथ मीटिंग थी, और मैं, पापा और हमारा यू नो डोमेस्टिक, ही इज लाइक अ फैमिली मेंबर, हम तीन गए थे। सो जब मीटिंग थी डॉक्टर के साथ, आई टोल्ड यू नो पप्पू जो हमारा डोमेस्टिक साथ था, आई सेड पप्पू तू पापा के साथ रुक, पापा अंदर नहीं जाएंगे, आई विल मीट द डॉक्टर। सो इट वॉज अ वन ऑन वन मीटिंग बिटवीन मी एंड डॉक्टर। And I had an idea based on the PET scan that I had seen. I had consulted my friends here and they said, you know, it has spread so much that it is just a matter of days now, not weeks, days, that, you know, you lose your dad. And hearing that was like, ke sar pe jaise pahadi toot gaya, ke aise kaise ho sakta hai? And agar days mein papa chale jayenge, तो मैं तो इनके साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर सकती। आई विल नॉट हैव एनी मोमेंट्स विद माय डैड एंड आई एम लिटरली वॉचिंग द क्लॉक टिक। सो आई वेंट इन विद अ स्ट्रेट फेस एंड ही सेड, लुक, वी आर वेरी सॉरी, वी ट्राइड कीमो बट द रिजल्ट्स वी वर एक्सपेक्टिंग वी डिड नॉट गेट दोज रिजल्ट्स, सो एट दिस स्टेज वी कांट डू एनीथिंग। एंड आई ब्रेस्ड मायसेल्फ एंड आई सेड, डॉक्टर वैद, can I take my dad to the US with me? And he looked at me that, what is she saying? Is she crazy? Like, wo ye aise bol bhi kaise sakti ki main bol raha hu ki patient itni advanced stage mein hai ki probably, you know,
बेडरूम से लेकर बाथरूम तक हम उनको नहीं ले जा सकते। ये लड़की बोल रही है कि कोविड के अंदर ये फोर्थ स्टेज एडवांस्ड यू नो 83 ईयर ओल्ड को इंटरनेशनल फ्लाइट पे लेकर जाएगी। एंड ही लुक्ड एट मी, ही इज लाइक एब्सोल्युटली नॉट, हिज टोन चेंज, ही सेड यू आर गोना नीड अ क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम मी, no airline will take him, and if an airline does take him, they will have to do a forced landing. These were his words. So, you know, I had a setback. I said, oh my God, that means I can't take him. I was like, and I don't know what got into me. I looked at him in the eye and I said, doctor, that's what your science is telling you. And I said, where your science and logic ends, his divinity begins. And he had no idea what I was talking about because he clearly thought ki isko itna setback lag gaya ki pagal ho gayi, kuch bhi bolne ja rahi hai. These were my exact words. I said, where your science ends, his divinity begins. Thank you. I said, namaste. I folded my hands and I walked out of the room. Now, I still remember that my trip was supposed to end on 14th March. I was supposed to come back to the US over the weekend. My brain started to race. I was like, oh my God, he's saying that I will see deterioration by the day. Like I will be able to see such a marked distinction ki aaj papa kaise hai and kal he's going to be way worse. Day after he's going to be way, way worse and it's going to be like clear downfall. Mera dimag, it started to race. I was like, doctor ne mana kar diya hai. Guruji, you have to make it possible so that I can spend at least some time with my father as a family. Sangaji, I pre-proned my trip to 9th March ki raat. Matlab maine apni 14th se flight move-in karai. Sirf meri tickets wapas jane ki thi. Maine apni sari family ki tickets karai. Literally wrapping up his entire life in 4 days. I was like, pack your bags. My mom was there. My sister was there. My sister's daughter was there. Ye decision Friday ko liya gaya. Friday sham ko, I was like, you know, let me see your passports because obviously COVID ke time pe koi visa renewals kuch nahi ho rahe the. I look at my niece's passport and that passport was expired. Ab humari Tuesday ki flight hai aur Friday ki ye sham ki main aapko baat bata rahi hu. I look at her passport and her passport is expired. I was like, Tamanna, you cannot come with us because there is no way that embassy is closed over the weekend. Monday ke din, sirf ek din mein, aapka passport renew hokar aayega aur Tuesday raat ko aapko flight leni hai. Sangaji, believe you me, he made the impossible possible. She was able to board the flight. My dad was able to board the flight. Now, as a precaution, I was very, very scared because वो मिक्स्ड फीलिंग्स थी. मुझे पता था कि मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ. एंड अ लॉट ऑफ पीपल लुक्ड एट मी, यू नो, गिविंग मी दोज लुक्स एंड सम इवन सेड दैट आर यू सीरियसली दैट क्रेजी, यू आर गोइंग टू अपरूट योर फादर, समथिंग हैपेंस टू हिम ऑन द फ्लाइट, यू विल नेवर बी एबल टू फॉरगिव हिम. एंड आई टोल्ड देम, आई सेड दैट्स एग्जैक्टली राइट, बट आई एम नॉट गोइंग टू लीव हिम हियर टू डाई. आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. सो well, I will take my chances and purely based on nothing but my faith in my guru. I said, mere paas kuch bhi nahi hai. Mere paas koi science ki backing nahi hai, koi doctor ki backing nahi hai. There is not one person who's backing me up to say this is a sensible or logical decision. I'm getting all criticism, but my heart says it's worth that risk. So with nothing but my utmost faith and surrender in my Guruji, I said, Guruji, tera bhana meetha lage. Agar yehi kismat mein hai that I'm going to lose him on the flight or, you know, he will. And the doctor actually gave me an explanation. He's like, 40,000 feet pe, jab airplane urta hai, to achhe achhe logon ko saans nahi aati. He said, inka to ek lung hi nahi hai. Somebody needs to mute themselves, please. अच्छे अच्छे लोगों को सांस नहीं आती एंड आप इनको उस ऑल्टीट्यूड पे 18 I'm being muted. Can you hear me now?
हाँ जी आंटी, वी कैन हियर यू. ओके. एंड ही सेड आप यू नो 18 से 20 घंटे उस ऑल्टीट्यूड पे इनको फ्लाई कराओगे, हाउ इज दैट पॉसिबल? सो वो स्टेटमेंट की यू नो मद्देनजर रखते हुए हमने ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सबका अरेंजमेंट करा दिया. एंड थ्रू कोविड जहां ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था, सब कुछ मिल भी गया. Throughout the flight, he did not even touch that oxygen cylinder, Sangaji. Pura time mantra jap chal raha tha. People over the world were praying. Aur jab New Jersey flight touchdown hui, I literally had tears rolling down. That, oh my God, my father made it and we did not even touch the cylinder. As soon as we touched down, itni fragrance were double mask ke through. We were getting such a strong whiff of roses. That happened. Now through the security, it is impossible, unheard of. I gave my passport, my mother's passport for scene, sister, niece. Dad ki bari aayi as if my dad was invisible. He went straight through it. I have no way to explain it. Nobody stopped him. Nobody asked him for his passport, as if officer ne dekha hi na unko. ऐसे कभी नहीं होता दैट यू आर नॉट स्टॉप्ड एट इमिग्रेशन, योर पासपोर्ट, योर यू नो योर रेटिना स्कैन, योर फिंगरप्रिंटिंग. ही जस्ट वेंट स्ट्रेट थ्रू. नाउ दिस वाज अ गिवन दैट अगर गुरुजी साथ में लिटरली अपनी हथेली पे रख के नहीं आए होते, देयर इज नो, माय डैड वुड नॉट हैव मेड इट. देयर इज, इट्स लाइक दैट्स अ नोन फैक्ट. नाउ हाउ गुरुजी आल्सो वैलिडेट्स, I was very happy. मैंने शिवरात्रि का सत्संग करने की सोची हुई थी, पर वो मैंने इंडिया में सोचा था. Like I said, I was supposed to stay till the 14th. I preponed. तो शिवरात्रि इस साल 11th को थी, if my memory serves me well. तो 11th को जब शिवरात्रि करी तो उनके लिए एक नीता आंटी है, नीता शर्मा आंटी, उनके घर से अखंड प्रसाद आया जो शिव जी की लिटरली गर्दन से निकल रहा था, the honey. That came all the way from New York. वो उनको चखाया. The next day, after Shivratri, I get a call from Sakshi. She's like, Didi, aap India se kis din nikle the? I said, 9th ko, 9th March ko. She said, Guruji, aapke saath aaye the. I said, kyun, kya hua? She said, Didi, main Zoom pe ek satsang sun rahi thi. Colonel Joshi ki kisi koi relative share kar raha tha. And that auntie said, ki Guruji mujhe dream mein aaye. और गुरुजी बोल रहे हैं मुझे 9 तारीख को अचानक अमेरिका जाना पड़ रहा है. ही इज टेलिंग दैट लेडी, मेरे को किसी अर्जेंट काम से अमेरिका जाना पड़ रहा है 9 तारीख को. एंड वो ड्रीम में बोलती है कि ओ गुरुजी गुड, मेरी बेटी भी कनाडा में है तो आप मिल लेना. एंड गुरुजी लाफ्स एंड ही सेज, मैं कनाडा नहीं अमेरिका जा रहा हूँ. सो संगत जी, अगेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ somebody sharing a random satsang on a different platform in Zoom across the globe, someone else in Australia hearing it, and then playing it back to me to validate that, oh my God, Guruji came with you. And then, you know, it's like a light bulb that lit up that Guruji hamesha bolte the, main jab bhi Guruji ke paas matha tekne jaati thi, I would tell Guruji, Guruji, aap America aana. And he would say, Aavanga, General Kapoor naal aavanga. And I was like, wow, that's exactly what happened years later. Because 2007 mein Guruji ne chola chhoda aur ye baat humare zehen se nikal gayi. Ke Guruji kehte the, main aavanga, General Kapoor naal aavanga. And he validated that. So, hum jitna bhi unka shukrana kare, kam hai Sangat ji. And like I said, we are in the best place possible. We are getting more than we can imagine and or deserve. And what our Guruji expects from his Sangat in return is Preeti, love, surrender towards him. That's the least we can do. Jai Guruji. Thank you so much, Aarti Aunty. And as you said, he knows it all. He hears it all. It's his show. Absolutely his show. When I requested you to share the lighter moments and you were sharing about the sweets and the dance, मैं सोच रही थी कि मैं आपसे पूछूंगी कभी कि कभी आपको गुरुजी अपने साथ जैसे होटल लेकर जाते थे, and he made you say it without me asking. I wanted to talk about
General Uncle, and I didn't have to request you that. He made you speak about him on your on his own. As he guides, yes. That's him. That's him. That's yes. it. So Bayan Shukrana Malika. Thank you so much for being here, Auntie. And as and when Guruji guides you, we would love to hear you more. I heard that you could make out when Uncle's soul actually went with Guruji. You and yes. your sister saw that. We saw it. Whenever. Yeah. Yeah. I heard your satsang. So whenever Guruji guides you, we would love to hear that again. Yes, those 2.5 months is a whole, you know, book in itself. From the day when Dad landed to the day he took his onward journey with Guruji, and even beyond, like his tervi, what happened? That's like step by step. It's a satsang in every aspect, and definitely I would share that on a different day. Sure, we would love to have you back. Thank you so much. Jai Shukrana, Guruji. Thank you. Jai Guruji. Jai Guruji. Over to you, Suresh Uncle. Jai Guruji, Aarti Auntie. Jai Guruji, Uncle. Thank you very much for sharing a divine blissful satsang today. This was a memorable satsang, and no doubt Papa ke saath Guruji Maharaj gaye the aur wahin rahe. As he committed earlier, he was with him throughout. We remember fondly your late Papa, and all of us Guru Parva have yet to learn a lot of messages from his satsangs. Every day, every second day, I used to hear his satsangs. Will you believe it? Yes, 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 Uncle. Yeah. And his words to Dad in 2004. Jab Papa ka, you know, koi visa, koi America mein tha bhi nahi, main bhi nahi thi. He said, General Saab, America chalo. 2004 ki baat hai, Uncle. Little did we know that he's going to take his onward journey from the US. But like I said, anything that comes out of Guruji has such a deep meaning. We may not be able to understand it then. And maybe it unfolds 20 years later, but it will. Thanks a lot for sharing. Aarti Aunty, any message for Multilingual Group teammates? Uncle, you're doing a great job. आप गुरुजी की सेवा कर रहे हो, इससे बड़ी ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती. बिकॉज सेवा इज अ ब्लेसिंग दैट आवर गुरु बेस्टोज अपॉन अस. अदरवाइज देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू फॉर आवर गुरु साहिब. हमारे में वो औकात ही नहीं है. और सेवा में मैं ना आए, बस वो कृपा हमें गुरुजी से चाहिए कि बस गुरुजी जब आप हमें कोई भी सेवा दे, हमारे से हमारी ईगो को कोसों दूर रखे, क्योंकि जो सेवा हमें मिल रही है वो आप ही की कृपा है. देयर इज नथिंग दैट वी कैन गिव टू आवर गुरु. इट्स ओनली वन वे स्ट्रीट एंड हिज अमटीन ब्लेसिंग्स. तो आप जो ये कर रहे हो वो गुरुजी की ब्लेसिंग से कर रहे हो. एंड यू नो आई सल्यूट योर इंटेंट एंड योर पैशन एंड द ड्राइव इन ग्लोरिफाइंग गुरु साहेब. स्टे ब्लेस्ड अंकल.